जी का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस सम्मेलन में आमंत्रित किया और मेरे एक बहुत प्रिय विषय पर बात करने का, संवाद करने का आपसे मौका दिया। भारत देश में सन 1857 की जो क्रांति हुई थी, इस क्रांति के विषय में पिछले कई वर्षों से मैं कुछ दस्तावेज एकत्रित करता रहा हूँ, उनका अभ्यास करता रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ, और ये जानने और समझने की कोशिश करता रहा हूँ कि 1857 की जो क्रांति हुई थी वो क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, उसके परिणाम कहाँ तक गए थे और उस क्रांति ने हमारे देश में ऐसा क्या उथल पुथल मचाया जो अंग्रेजों को भारत छोड़कर चला जाना पड़ा, जबकि अंग्रेजों की इच्छा बिल्कुल नहीं थी भारत को छोड़ने की। और दुनिया के 71 से ज़्यादा देशों में जिन अंग्रेजों का साम्राज्य चलता था, जिन देशों के साम्राज्य के बारे में कहा जाता था कि अंग्रेजों का साम्राज्य का सूरज कभी डूबता नहीं है, एक देश में सूरज डूबता है तो दूसरे देश में उग जाता है, ऐसे अंग्रेज जिन्होंने बहुत गहराई से जड़ें जमाई थी हमारे देश में, आखिर 1857 की क्रांति के बाद क्यों इस देश से जाने के लिए मजबूर हो गए, ये सब कुछ गंभीर प्रश्न हैं जिनको मैं आपके साथ मिलकर आज के इस व्याख्यान के माध्यम से समझने की कोशिश करूंगा। और जो भी थोड़े बहुत दस्तावेज मैंने देखे हैं अंग्रेजों की संसद की लाइब्रेरी में, हाउस ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स की लाइब्रेरी में, भारत के जो आर्काइव्स हैं, जो यहाँ के अभिलेखागार हैं, वहाँ पर जो दस्तावेज रखे हैं, अन्य कई पुस्तकालय हैं हमारे देश के, वहाँ पर जो 1857 के बारे में दस्तावेज रखे हैं, उनके कुछ संदर्भ आज के इस व्याख्यान में देने की कोशिश करूँगा। हमारे देश में 1857 का जो स्वाधीनता संग्राम हुआ, ये सबसे अनोखा और सबसे प्रबल था। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो सारे भारत के इतिहासकार और अंग्रेजी इतिहासकार भी इस बात को अब मानते हैं कि इस 1857 के स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत 29 मार्च 1857 को हुई। 29 मार्च 1857 को हमारे भारत देश में बंगाल का जो सबसे बड़ा नगर है कलकत्ता, आज जिसको हम कोलकाता कहते हैं, उसके पास में बैरकपुर नाम की एक छावनी हुआ करती थी अंग्रेजों की, जहां पर अंग्रेजों की सेना रहा करती थी। उस बैरकपुर छावनी में भारत के एक बहुत बड़े क्रांतिवीर श्री मंगल पांडे काम किया करते थे। मंगल पांडे अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो गए थे एक सिपाही के रूप में और सेना के कार्य में लगे हुए थे। उन्हीं मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को क्रांति की शुरुआत कर दी थी। शुरुआत कैसे हुई, हमारे भारत में सन 1856 से अंग्रेजों की सरकार ने कुछ ऐसे कारतूस बनाकर इस्तेमाल करना शुरू किया था, जिन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगाई जाती थी। हमारे भारत देश में अंग्रेजों की सेना जो कारतूस इस्तेमाल किया करती थी, उन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का तेल निकालकर लगाया जाता था और भारत के सैनिक जो अंग्रेजी सेना में नौकरी किया करते थे, उनको वो कारतूस मुंह से खोलने के लिए मजबूर होना पड़ता था। पुराने समय में जो कारतूस बना करते थे बंदूक में चलाने के लिए, उन कारतूसों के ऊपर एक टोपी लगी रहती थी, उस टोपी को खोलकर कारतूस को बंदूक में डाला जाता था, फिर उसको चलाया जाता था। वो जो टोपी लगाई जाती थी कारतूस की, उस टोपी को आसानी से लगाया जा सके और आसानी से निकाला जा सके, उसके लिए चिकनाई की ज़रूरत पड़ती थी, तेल की ज़रूरत पड़ती थी। और 1856 के आसपास सबसे सस्ती चिकनाई जो भारत में मिलती थी, सबसे सस्ती और सबसे आसानी से जो चिकनाई भारत में मिलती थी, वो गाय के मांस में से निकाला हुआ तेल होता था, सुअर के मांस में से निकाला हुआ तेल होता था। एक किलो चिकनाई गाय के मांस में से निकाली हुई 4 आने में मिल जाया करती थी।
चार आने किलो, चार आना आप समझते हैं सोलह आने का एक रुपया हुआ करता था, उस सोलह आने के रुपए का चार आना हिस्सा, तो चार आने में एक किलो चिकनाई मिल जाती थी, गाय के मांस में से निकाली गई और लगभग चार आने में ही मिल जाती थी सुअर के मांस में से निकाली हुई। अंग्रेजों की सरकार इन चिकनाइयों का इस्तेमाल कारतूस की टोपी को लगाने में और वो टोपी मुंह से खोली जाए तो आसानी से निकल जाए इसके लिए प्रयोग किया करती थी। अंग्रेजों ने जब ये कारतूस इस्तेमाल करना शुरू किया तो भारत के जो सैनिक अंग्रेजों की सेना में नौकरी किया करते थे उनको इस बात पर बहुत आपत्ति हुई और कई सैनिकों ने अपना विरोध दर्ज कराया अंग्रेजी शासकों के सामने, अंग्रेजी सेना के बड़े अधिकारियों के सामने। दुर्भाग्य ये हुआ कि जब भी भारतीय सैनिकों ने ये विरोध दर्ज कराया कि हमको गाय की चर्बी के कारतूस मुंह से खोलने पड़ते हैं, तो अंग्रेजों के जो फौजी अफसर हुआ करते थे उन्होंने इस शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया और इन्होंने इसको कोई महत्व भी नहीं दिया। कारण क्या था? कारण यह था कि अंग्रेज खुद गाय का मांस खाते थे और अंग्रेजी सेना का एक बड़ा हिस्सा प्रतिदिन गाय का मांस खाया करता था। अंग्रेजी सेना के बहुत बड़े हिस्से में सुअर का भी मांस खाया जाता था। आप जानते हैं अंग्रेज आए थे यूरोप के इलाके से और यूरोप के इलाके में गाय का मांस खाना सामान्य बात है, सुअर का मांस खाना और भी सामान्य बात है। दो ही तरह के मांस पूरे यूरोप और अमेरिका में खाए जाते हैं। एक मांस को बीफ कहते हैं अंग्रेजी में, बीफ माने गाय का मांस, और एक मांस को पोर्क कहते हैं, पोर्क माने सुअर का मांस। तो बीफ और पोर्क खाने वाले अंग्रेज थे, गाय का भी मांस खाते थे सुअर का भी मांस खाते थे। उनके लिए ये कोई महत्व की बात नहीं थी कि गाय का मांस और सुअर का मांस किसी कारतूस में लगा दिया जाए और उस कारतूस को मुंह से खोलना पड़े। उनके लिए तो ये सामान्य बात थी क्योंकि वो खाया करते थे। लेकिन भारत के जो सैनिक थे, भारत के जो नागरिक थे और अंग्रेजी सेना में काम करते थे, उनके लिए ये बहुत आपत्तिजनक था। जो हिंदू थे और भारतीय थे उनके लिए ये आपत्तिजनक था कि गाय का मांस कारतूस पे लगाया जा रहा है, और जो मुसलमान थे और भारतीय थे उनके लिए ये आपत्तिजनक था कि सुअर का मांस लगाया जा रहा है। इसलिए भारत के सैनिकों ने ये सवाल उठाना शुरू किया सन 1856 से, लेकिन अंग्रेजों के किसी भी अधिकारी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जिन भारतीय सैनिकों ने आपत्ति उठाई थी इन कारतूसों के सवाल पर, उनमें से एक भारतीय सैनिक थे अमर शहीद मंगल पांडे, जिनका नाम हम बड़े आदर से और सम्मान से लेते हैं। उन्होंने 29 मार्च सन 1857 को भरी परेड के मैदान में अंग्रेज अधिकारी से सीधे एक सवाल पूछा। परेड हो रही थी बैरकपुर की छावनी में, सवेरे का समय था, करीब 9 बजे के आसपास का। सारे भारतीय सैनिक लाइन से खड़े हुए थे परेड के लिए। उसी समय एक अंग्रेज अधिकारी आया, उसका नाम था मेजर ह्यूसन। उस ह्यूसन नाम के अंग्रेज अधिकारी को अमर शहीद मंगल पांडे ने सीधे एक प्रश्न किया कि क्या हमको अंग्रेज सरकार की तरफ से जो कारतूस दिए जा रहे हैं उसमें गाय की चर्बी लगी हुई है। तो मेजर ह्यूसन ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, ना उसने हाँ कहा और ना उसने ना कहा। अमर शहीद मंगल पांडे ने फिर अपना सवाल दोहराया कि क्या हमें जो कारतूस दिए जा रहे हैं उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगाई गई है। मेजर ह्यूसन ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया, ना हाँ कहा ना ना कहा। बस इतने से मैं गुस्सा आया अमर शहीद मंगल पांडे को, उनके पास अपनी सर्विस राइफल थी, बंदूक थी, उसमें दो गोलियां भरी हुई थी। उन्होंने वो बंदूक सीधे मेजर ह्यूसन के ऊपर चलाई, मेजर ह्यूसन को गोली लगी, लगने के बाद वो जमीन पे गिरा, थोड़ी देर तड़पा और मर गया। उसके बाद क्या हुआ, उसका एक दूसरा सहयोगी था, उसका नाम था लेफ्टिनेंट वॉग। वॉग नाम का जो अंग्रेज अधिकारी था वो मंगल पांडे को पकड़ने के लिए घोड़े पर चढ़कर दौड़ा। मंगल पांडे ने दूसरी गोली चलाई और वो दूसरी गोली
लेफ्टिनेंट वॉग के घोड़े में जाकर लगी और घोड़ा जमीन पर धराशायी हुआ और वॉग घोड़े से गिरकर जमीन पर उठने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच में मंगल पांडे ने क्या किया, उनकी जो राइफल थी उसमें एक संगीन लगी हुई थी, वो संगीन को लेके दौड़े और बाघ के छाती में उन्होंने सीधे वो संगीन उतार दी और उसके बाद खून का फव्वारा छूटा और वॉग 4 से 5 मिनट में तड़प कर वहीं मर गया। बहुत सारे भारतीय सैनिक ये दृश्य देख रहे थे और उनके मन में भी कुछ ना कुछ करने का गुस्सा और जज्बा पल रहा था। उसी समय मंगल पांडे ने सभी क्रांतिकारी भारतीय सैनिकों को ललकारते हुए कहा कि इन अंग्रेजों ने हमारा धर्म भ्रष्ट किया है, इन अंग्रेजों ने हमारा देश हमसे छीन लिया है, इन अंग्रेजों ने हमारी आज़ादी हमसे छीन ली है, इन अंग्रेजों ने हमारी स्वतंत्रता का हरण किया है, इन अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति का नाश किया है, इन अंग्रेजों ने भारत की लूट की है। इस तरह का एक लंबा सा भाषण लगभग 15 से 20 मिनट का अमर शहीद मंगल पांडे ने दिया। भारतीय सैनिकों में थोड़ा सा क्रोध पैदा हुआ, लेकिन उसी समय अंग्रेजों के एक बड़े अधिकारी को इसकी जानकारी हो गई कि मेजर जनरल ह्यूसन और उसके बाद लेफ्टिनेंट वॉग ये दोनों मारे जा चुके हैं और अमर शहीद मंगल पांडे ने गोली चलाई है। तो अंग्रेजों की एक बड़ी फौज आई और उस बड़ी फौज ने मंगल पांडे को पकड़ने के लिए प्रयास शुरू किया। मंगल पांडे ने अपनी राइफल का कारतूस भरने का जो समय था वो समय का इस्तेमाल ना करते हुए राइफल में आगे जो संगीन निकली रहती है, जो तलवार की धार की तरह से काम करती है, उसका सदुपयोग करना शुरू किया और उस राइफल को तलवार की तरह से चलाते हुए उन्होंने कई अंग्रेज सैनिकों के गले काटे, कई अंग्रेज सैनिकों को घायल कर दिया। अंत में मंगल पांडे पकड़ लिए गए, अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उनका कोर्ट मार्शल हुआ और कोर्ट मार्शल करीब 10 दिन तक चला। 10वें दिन उनको फांसी की सजा सुना दी गई और 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर की छावनी में अमर शहीद मंगल पांडे को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया। समस्या ये हुई थी उस समय कि मंगल पांडे को फांसी देने के लिए कोई तैयार नहीं था। फांसी की घोषणा हो चुकी थी लेकिन उनको फांसी देने के लिए कोई तैयार नहीं था। जितने भी जल्लाद अंग्रेजों की सेना में उस समय नौकरी करते थे बैरकपुर की छावनी में, सबने मना कर दिया कि हम मंगल पांडे को फांसी पर नहीं चढ़ाएंगे। तो अंग्रेजों के सामने समस्या ये खड़ी हुई कि फांसी की सजा तो होनी है, अब जल्लाद कोई तैयार नहीं है तो क्या किया जाए। तो अंग्रेजों ने कलकत्ता से फिर कुछ दूसरे जल्लादों को मंगवाया, उन जल्लादों को बहुत ज़्यादा पैसे का लालच दिया गया और ना सिर्फ पैसे का लालच दिया गया बल्कि उनको बहुत ज़्यादा बड़ी तरक्की मिल जाएगी सेना में, फौज में, उनके बच्चों को जिंदगी भर के लिए फौज में नौकरी मिलेगी और पेंशन की व्यवस्था की जाएगी उनके लिए। ऐसे लालच के साथ 4 जल्लाद कलकत्ता से बुलाए गए। उन जल्लादों ने 8 अप्रैल 1857 को अमर शहीद मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ाया। ये दृश्य जब भारतीय सैनिकों ने देखा कि मंगल पांडे का कोई कसूर नहीं था फिर भी अंग्रेजों ने उनको फांसी पर चढ़ा दिया, उन्होंने एक सीधा सा प्रश्न पूछा था कि क्या कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगाई जाती है। इस सीधे सवाल का जवाब ना देकर अंग्रेजों ने झूठ मूठ में कोर्ट मार्शल करके मंगल पांडे को फांसी दे दी है। तो भारत के सैनिक जो उस छावनी में रहते थे उनमें बहुत गुस्सा और विद्रोह पैदा हो गया और बहुत अच्छा एक काम उन सैनिकों ने मिलकर कर लिया। करीब 1100 से ज़्यादा भारतीय सैनिकों ने मंगल पांडे की फांसी होने के थोड़ी देर के बाद ही एक संकल्प कर लिया कि अब हम इस गुलामी की नौकरी को छोड़ देंगे, इन अंग्रेजी फौज की नौकरी को हम अब नहीं करेंगे क्योंकि ना जाने हमारे साथ ऐसा कब क्या हो जाए जो मंगल पांडे के साथ हुआ। तो 1100 से ज़्यादा भारतीय सैनिकों ने नौकरी छोड़ दी। वहाँ से वो जुलूस बनाकर थोड़ी दूर तक पैदल चलकर गए।
बैरकपुर में जहां पर यह घटना घटित हुई थी उससे थोड़ी दूर पर गंगा नदी बहती है। ये गंगा नदी के बारे में आप सभी जानते हैं, इनका उद्गम स्थान गंगा नदी का गंगोत्री है, लेकिन अंतिम स्थान गंगा सागर है। गंगा सागर से पहले कलकत्ता पड़ता है, कलकत्ता के नजदीक में बैरकपुर है। तो बैरकपुर छावनी से ये 1100 सैनिक निकले और जुलूस की शक्ल में अंग्रेजी सेना की जो वर्दी उनको मिली थी वो उन्होंने फाड़ के फेंक दी। उनको जो टोपियां दी गई थी वो टोपियां उतार के उन्होंने फेंक दी। उनको छाती पर लगाने के लिए बैज मिलते थे अंग्रेजों की सेना में, वो बैज उन्होंने नोच कर फेंक दिए। अपनी साधारण भारतीय पोशाकों में वो तैयार होकर गंगा नदी के किनारे गए और सभी ने गंगा जल अपनी अंजुली में भरा और अंजुली में गंगा जल भर के उन्होंने एक संकल्प किया कि जिन अंग्रेजों ने भारत की गाय को काटा है, जिन अंग्रेजों ने भारत में हिंदू मुसलमानों के बीच में वैमनस्य बढ़ाया है, जिन अंग्रेजों ने आज़ादी को भारत का समाप्त कर दिया है, सभ्यता संस्कृति का नाश किया है, इन अंग्रेजों को अब हम भारत में रहने नहीं देंगे और इन अंग्रेजों को भारत से भगाकर ही दम लेंगे। बस यहीं से क्रांति की शुरुआत हो गई। ये जो 1100 सैनिक थे इन्होंने चार चार पांच पांच सैनिकों के समूह बनाए और पूरे देश में इन्होंने उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फैल जाने का फैसला किया और ये समूह पूरे देश में फैल गए। इन समूहों में जो सैनिक थे, इन सैनिकों का भविष्य जो है कोई बहुत निश्चित नहीं था, लेकिन देशभक्ति का ज्वार उनमें इतना तीव्र था कि उन्होंने अपने भविष्य की परवाह न करते हुए, अपने परिवार और बीवी बच्चों की परवाह न करते हुए गांव-गांव जाना शुरू किया और अंग्रेजों के खिलाफ जो कुछ उन्होंने फौज में देखा था वो गांव में जाकर सुनाना शुरू किया। अंग्रेज कैसे गाय काटते हैं और गाय का मांस किस तरह से खाया जाता है, अंग्रेज कैसे सुअर काटते हैं और सुअरों का मांस किस तरह से खाते हैं, फिर किस तरह से भारतीय सैनिकों का अपमान करते हैं, भारतीय धर्म और संस्कृति का कैसे मजाक उड़ाते हैं, भारत के लोगों की जो मान्यताएं हैं उन पर कैसे फिक्रे कसते हैं, ये सब बातें इन सैनिक समूहों ने गांव-गांव जाकर कहना जब शुरू किया तो धीरे धीरे गांव में ऐसा माहौल बनने लगा, शहरों में ऐसा माहौल बनने लगा कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई बड़ी बगावत हो जाए। एक तरफ ये सैनिक थे जो सेना की नौकरी छोड़कर अंग्रेजों के खिलाफ गांव-गांव घूम रहे थे, दूसरी तरफ हमारे इस देश के एक महान तपस्वी संत परम पूजनीय महर्षि दयानंद थे जिन्होंने भारत के साधारण से लोगों के बीच में जाकर अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा माहौल बनाना उस समय शुरू किया हुआ था। ये जो सैनिक थे जो सेना छोड़कर भारत में आज़ादी की लड़ाई के लिए लग गए थे, ये पूर्वी भारत और दक्षिण भारत में ज़्यादा घूम रहे थे। परम पूजनीय महर्षि दयानंद और उनके जो सहयोगी थे वो उत्तर भारत में काफ़ी बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। उनके बहुत सारे साधु संत सन्यासी फकीर इस पूरे उत्तर भारत में गांव-गांव घूमकर अंग्रेजों के खिलाफ माहौल बनाने में और अंग्रेजों के खिलाफ कोई संगठन खड़ा करने में लगे हुए थे। दोनों का संगम हो गया, सेना में काम करने वाले भारतीय सैनिक और समाज में काम करने वाले परम पूजनीय महर्षि दयानंद के तैयार किए हुए सैनिक, ये दोनों जब मिले तो इसमें से विस्फोट हो गया और ये विस्फोट हुआ इसी मेरठ की पवित्र भूमि पर जहां हम बैठे हैं। जब उत्तर भारत के महर्षि दयानंद सरस्वती के सहयोगी और उनके शिक्षित और दीक्षित शिष्यों ने और दक्षिण भारत पूर्वी भारत से आए हुए इन सैनिकों ने एक दूसरे के संवादों से, एक दूसरे की बातों से मन में जब बड़े संकल्प कर लिए तो उस संकल्प का पहला प्रादुर्भाव इस मेरठ की भूमि पर हुआ 10 मई 1857 को। हुआ क्या था मेरठ में, एक घटना घटित हुई थी। आप जानते हैं बैरकपुर जैसे बड़ी छावनी थी वैसे ही मेरठ भी अंग्रेजों की सबसे बड़ी छावनी थी उत्तर भारत में। उत्तर भारत में अंग्रेजों की दो ही सबसे बड़ी छावनियां हुआ करती थी, एक तो अंबाला जिसको आज अंबाला कैंट कहा जाता है और दूसरा था ये मेरठ।
ये मेरठ कैंट का पूरा इलाका अंग्रेजों की छावनी का इलाका था। इस अंग्रेजी छावनी में 6 मई 1857 को बहुत सारे भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजी अधिकारियों को कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। 6 मई 1857 को यहाँ मेरठ कैंट में परेड हो रही थी, उस परेड में भारतीय सैनिक जो अंग्रेजों की फौज में नौकरी करते थे उनको ये कारतूस दिए गए इस्तेमाल करने के लिए, और आदेश मिला कि इन कारतूसों को चलाओ, तो भारतीय सैनिकों ने वो कारतूस चलाने से मना कर दिया। 6 मई 1857 को ये कारतूस चलाने से जब सैनिकों ने मना किया तो अंग्रेज अधिकारियों के कान खड़े हो गए और उनको ये समझ में आने लगा कि बैरकपुर में जो घटना घटित हुई है अमर शहीद मंगल पांडे की बगावत और क्रांति के रूप में, वो शायद मेरठ में भी घटित हो सकती है, वैसा ही कुछ मेरठ में भी हो सकता है। तो अंग्रेज अधिकारियों ने ये फैसला कर लिया कि मेरठ में जो क्रांतिकारी भारतीय सैनिक अंग्रेजों की फौज में है इन सबको फौज से निकाल दिया जाएगा और इनको हथकड़ियां पहनाकर जेल में डाला जाएगा और इनके ऊपर कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान किया जाएगा और इनको जितनी भी बेइज्जती हो सकती है वो बेइज्जती इनकी की जाएगी। 6 मई 1857 को अंग्रेजों ने ये तय कर लिया और 9 मई 1857 को सवेरे करीब 9:30 बजे मेरठ कैंट में 90 से ज़्यादा भारतीय सैनिकों को फौज में से निकालने का आदेश सुना दिया गया, क्योंकि वो 90 सैनिक थे जिन्होंने ये कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। फिर उसके बाद अंग्रेजी अधिकारियों ने ये घोषणा कर दी कि इन सभी सैनिकों को हथकड़ियाँ पहना दी जाएं, इनके कपड़े उतारे जाएं, इनकी टोपियाँ उतारी जाएं, इनके बैज छीन लिए जाएं और इनको हाथ को पीछे बांधकर इनकी नंगे शरीर से परेड निकाली जाए। भारतीय सैनिकों का ये अपमान बहुत ज़्यादा उन्होंने 9 मई को कर दिया। सभी सैनिकों के कपड़े उतार लिए, उनके हाथ पीछे बांध दिए, हाथों में हथकड़ियाँ, पैर में बेड़ियाँ और उनका परेड मैदान में जुलूस निकलवा दिया। तो जो दूसरे भारतीय सैनिक इस घटना को देख रहे थे उनके मन में बहुत गुस्सा पैदा हुआ और उन सैनिकों ने अपने गुस्से का उस समय तक तो कोई इजहार नहीं किया, उस समय तक तो गुस्से को उन्होंने प्रकट नहीं किया, लेकिन शाम को करीब 5 बजे के आसपास जो भारतीय सैनिक गुस्सा प्रकट करने की कोशिश कर रहे थे वो मेरठ शहर के बाजार में निकले कुछ सामान आदि खरीदने के लिए, तो बाजार में कई महिलाओं ने उनके ऊपर बहुत कठोर टिप्पणियां कर दी। कई माताओं ने, बहनों ने उनको ये कहा कि तुम्हारे जो सहयोगी रहे, तुम्हारे जो भाई रहे, अंग्रेजों ने ऐसे 90 से ज़्यादा भारतीय सैनिकों का जो अपमान किया है, उनकी वर्दियाँ उतारी हैं, उनको शरीर नंगा करके उनकी परेड निकाली है, उनको जो है हथकड़ी और बेड़ियाँ डालकर उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया है, तुम कैसे भारतवासी हो अपने भाइयों के इस अपमान पर चुपचाप बैठे हो। तो सैनिकों का गुस्सा भड़क गया, वो लौटकर वापस आए बाजार से, आपात एक मीटिंग उन्होंने बुलाई और उस मीटिंग में ये तय कर लिया कि कल सवेरे 10 बजे 10 मई को सवेरे 10 बजे ये घटना है 9 मई की, उन्होंने संकल्प किया कि अगले दिन सवेरे 10 बजे हम कुछ ऐसा बड़ा काम करेंगे जिससे अंग्रेज भी कांपेंगे और अंग्रेजों की सरकार के कान खड़े हो जाएंगे। अगले दिन सवेरे 10 मई को संयोग से रविवार का दिन था और रविवार के दिन आप सभी जानते हैं अंग्रेजों की सरकार के जो अंग्रेजी सैनिक थे वो चर्च जाया करते थे और चर्च जाना उनके लिए बहुत ज़रूरी बना दिया गया था। हमारे देश में एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था, उसका नाम था वेलेजली। उसने 1798 में ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी करने वाले हर अंग्रेज सैनिक के लिए ये कानून बना दिया था कि रविवार के दिन उन्हें चर्च जाना बहुत ज़रूरी है, अगर वो चर्च नहीं जाएंगे तो उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा, उनकी तनख्वाह में कटौती की जा सकती है, उनकी सुविधाएं घटाई जा सकती हैं। तो सभी अंग्रेज तनख्वाह के लालच में, प्रमोशन के लालच में या थोड़ा डर कर
चर्च जाया करते थे हर रविवार को। और ये वेलेजली नाम का ही अंग्रेज अधिकारी था जिसने रविवार की छुट्टी कराई थी पूरे भारत देश में, जो दुर्भाग्य से आजादी के 63 साल के बाद आज भी चल रही है। रविवार का दिन छुट्टी का दिन होगा क्योंकि उस दिन चर्च जाना है, और ये छुट्टी पहले की गई थी अंग्रेज अधिकारियों के लिए, बाद में ये छुट्टी कर दी गई भारतीय सैनिकों के लिए, और भारतीय सैनिकों के साथ भारतीय नागरिकों के लिए जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया करते थे। तो 10 मई को रविवार था, सारे अंग्रेज सैनिक रविवार के दिन यहाँ मेरठ के चर्च में गए हुए थे। वो चर्च की बिल्डिंग अभी भी टूटी फूटी यहाँ आप देख सकते हैं, जो कैंट एरिया में है। इधर भारतीय सैनिकों ने संकल्प कर लिया था कि अभी अंग्रेजों को सबक सिखा देना है। तो जब अंग्रेज चर्च में अंदर घुसे हुए थे और अपनी प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय मेरठ में क्रांति की शुरुआत हुई, बगावत हुई, और सबसे पहले भारतीय सैनिकों ने यहाँ का चर्च जला दिया, चर्च में आग लगाई। तो जो अंग्रेज चर्च के अंदर भरे हुए थे वो सब के सब अंदर जल के भस्म हो गए। उनकी कुछ स्त्रियां थीं, उन स्त्रियों को भी उसमें जल जाना पड़ा, और कुछ छोटे बच्चे थे उनको भी उस चर्च में जल जाना पड़ा। कुछ बच्चे और कुछ स्त्रियां संयोग से निकलकर बाहर आ गए थे, लेकिन उनको लोगों ने नहीं छोड़ा, क्योंकि चर्च में आग लगाने का काम भारतीय सैनिकों ने जरूर किया था, लेकिन आग लगते समय हजारों की संख्या में मेरठ के नागरिक भी वहां उपस्थित थे, और उन्होंने चर्च को चारों तरफ से घेर रखा था, और उनके मन में गुस्सा इस बात का था कि एक भी अंग्रेज को यहां से हम जिंदा वापस नहीं जाने देंगे, जो भी चर्च के अंदर है उसको तो अब यहां से सीधे भगवान के पास ही भेजेंगे। उसी के बाद चर्च जलने के बाद यहाँ अंग्रेज अधिकारियों के जितने बंगले थे एक एक करके सब में आग लगाई गई, और उन बंगलों में जलकर कई अंग्रेज अधिकारी राख हो गए, खाक हो गए। उसके बाद भारतीय सैनिकों ने मेरठ नगर के नागरिकों के साथ मिलकर पूरे शहर में एक एक मोहल्ले में ये ढूंढना शुरू किया कि कहाँ अंग्रेज छुपे हुए हैं, क्योंकि उनको ये जानकारी मिली कि काफी अंग्रेज अपने घरों से भागकर किसी दूसरे के घर में छुप गए हैं, गलियों में चले गए हैं, और भारतीय सैनिक उनको ढूंढते रहे। शाम हो गई और शाम करीब 6-7 बजे तक आते आते मेरठ में एक भी अंग्रेज जिंदा नहीं बचा। सभी अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों ने और मेरठ के नागरिकों ने मिलकर कत्लेआम कर दिया। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य लगेगा, बहुत हैरानी होगी कि सैनिकों के पास तो बंदूकें थीं, सैनिकों के पास तो संगीनें थीं, तलवारें थीं, उनसे वो अंग्रेजी सैनिकों के सामने लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन मेरठ के जो नागरिक थे उनके हाथ में क्या था? उनके हाथ में तो बंदूक नहीं थी, उनके हाथ में तो तलवार नहीं थी। तो अंग्रेजों के जो दस्तावेज हैं वो बताते हैं कि मेरठ के नागरिकों के हाथ में फसल काटने वाला हसिया था, जिससे फसल काटी जाती है, गेहूं की फसल हम काटते हैं, धान की फसल काटते हैं, वो हसिया था लोगों के हाथ में। और उस हसियों को लेकर माताएं बहनें सड़क पर और भाई भी सड़क पर घूम रहे थे, और जहां कोई अंग्रेज मिलता था गर्दन उसकी हसिये से काटते थे। सैनिकों के पास तो बंदूकें थी, तलवारें थी चलाने के लिए, लेकिन साधारण नागरिकों के हाथ में तो हसिया था। कुछ साधारण नागरिकों के बारे में अंग्रेज दस्तावेज बताते हैं, अंग्रेजी दस्तावेज, कि उनके हाथ में खुरपी थी, खुरपा था, हसिया था। ऐसी चीजों को लेकर ये सारे नागरिक इकट्ठे हुए थे। और सबसे ज्यादा आश्चर्य में डालने वाली जो बात है वो ये कि अंग्रेज इतिहासकारों ने जब इन नागरिकों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की तो पता चला कि मेरठ के आसपास के लगभग 40 से ज्यादा गांवों के लोग इकट्ठे हुए थे अंग्रेजों से बदला लेने के लिए। इन 40 गांवों की पूरी सूची है, हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी में रखी हुई है। ये सब गांव मेरठ के आसपास के गांव हैं। कुछ गांव हैं जो मेरठ से मुजफ्फरनगर के बीच में हैं, और कुछ गांव हैं जो मेरठ से मोदी नगर के बीच में हैं। इन 40 गांवों के नागरिकों की संख्या हजारों में थी जिन्होंने अंग्रेजों को यहां से कत्लेआम करा दिया। उसके बाद रात हो गई,
एक भी अंग्रेज जिंदा नहीं बचा, तो भारतीय सैनिकों ने तय कर लिया कि अब क्या करना है। तो अब उन्होंने कहा दिल्ली चलना है, और दिल्ली चलकर अंग्रेजों का जो मुख्य केंद्र है उस पर कब्जा करना है। तो लगभग 2000 भारतीय सैनिक, उनके साथ कुछ भारतीय नागरिक जो सामान्य नागरिक थे, गांव से इकट्ठे होकर आए थे, इन लोगों ने घोड़ों की और कुछ खच्चरों की व्यवस्था की, और उन पर बैठकर ये सारे सैनिक रातों रात दिल्ली के लिए निकल गए। सवेरा होते होते ये दिल्ली पहुंच गए। 11 मई को 1857 के साल में दिल्ली में 2000 मेरठ के सैनिक जो भारतीय सैनिक थे, और 1500 से ज़्यादा लोग जो गांव के सामान्य नागरिक थे, इन्होंने दिल्ली में प्रवेश किया। दिल्ली में उस समय बहादुर शाह जफर की सेना के कई सैनिक थे जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने की कसमसाहट तो रखते थे, लेकिन उनका जो बादशाह था, राजा बहादुर शाह जफर, वो लड़ने को तैयार नहीं था। बहादुर शाह जफर कभी भी अंग्रेजों से लड़ने को तैयार नहीं हुआ। हमेशा उसके मन में ये दुविधा रही कि मैं अंग्रेजों से लड़ूं या अंग्रेजों से मित्रता करूं, अंग्रेजों से लड़ने में फायदा है या मित्रता करने में फायदा है। और दूसरा उसका दुर्भाग्य ये था कि उसके आसपास के जो सहयोगी थे वो हमेशा बहादुर शाह जफर को ये समझाया करते थे कि अंग्रेजों से दोस्ती करने में ही फायदा है, लड़ने में कोई फायदा नहीं। जैसे बहादुर शाह जफर की एक पत्नी थी जिसका नाम था जीनत महल, वो हमेशा बादशाह बहादुर शाह जफर को यही कहा करती थी कि अंग्रेजों से लड़ाई लड़के तो कुछ मिलने वाला नहीं है, इनसे दोस्ती रखेंगे तो शायद हमें कुछ मिल जाएगा। तो क्या मिल जाएगा? जीनत महल का एक लड़का था जो बहादुर शाह जफर से पैदा हुआ था। जीनत महल चाहती थी कि बहादुर शाह जफर के मरने के बाद ये उसका लड़का यहाँ का बादशाह बने और उसके नाम से पूरी बादशाहत चले। जीनत महल के मन में ये जो छोटा सा स्वार्थ था, इस स्वार्थ के चलते उसने कभी भी राजा बहादुर शाह को अंग्रेजों से लड़ने नहीं दिया। लेकिन राजा बहादुर शाह की जो सेना थी वो अंग्रेजों से लड़ना चाहती थी। सेना में जो सैनिक थे वो अंग्रेजों के पूरी तरह से खिलाफ थे। तो हुआ ये कि जब मेरठ के सैनिक वहां पहुंचे और इन्होंने बहादुर शाह जफर के महल में जाकर ये जानकारी दी, महल माने लाल किला, लाल किले में बहादुर शाह जफर रहा करता था, वही उसके महल के रूप में इस्तेमाल हुआ करता था। तो सैनिकों ने जाकर ये भी ये सूचना दी कि मेरठ में तो क्रांति हो गई है और अब वो क्रांति दिल्ली में हमें करनी है। तो बहादुर शाह जफर के सारे सैनिक मेरठ के सैनिकों के साथ आकर गले मिले और उन्होंने कहा कि हमें तो क्रांति दिल्ली में भी करनी है, राजा माने तो अच्छा है, नहीं माने तो हम तो क्रांति करेंगे। अब मेरठ के सैनिक, दिल्ली के सैनिक इकट्ठे होकर बहादुर शाह जफर के पास पहुंचे। बहादुर शाह जफर ने बहुत देर तक सोचते हुए कहा ना हाँ ना ना, एक स्पष्ट रूप से हाँ भी नहीं कह रहा था, दूसरी तरफ से ना भी नहीं कह रहा था। फिर मेरठ के सैनिकों ने बादशाह को कहा कि देखो, आप अगर लड़ाई लड़ो हमारे साथ तब आपका नाम इतिहास में रहेगा, नहीं लड़ोगे तो हम तो लड़ने ही वाले, और वैसे भी आप मारे जाओगे, अंग्रेज आपको हमारा जासूस कहेंगे और जिंदा नहीं रहने देंगे, और हम आपको अब बिना लड़ाई लड़े छोड़ेंगे नहीं, इसलिए आप राजी राजी आते हो हमारे साथ तो अच्छा है, नहीं तो बेराजी हम आपको ले ही लेंगे अपने साथ। बहादुर शाह जफर ये सुनकर थोड़ा परेशान हो गया। फिर उसने मेरठ के सैनिकों से कहा कि भाई मेरे पास तो राजा की पदवी भी नहीं है, ये तो अंग्रेजों ने छीन ली है, मैं तो नाम का राजा हूँ, ना मेरा कोई कानून यहाँ चलता है, ना मेरा कोई हुक्म मानता है, ना मेरे पास पैसे हैं, ना मेरे पास कोई धन दौलत है, मैं तो गरीबी में जीवन बिता रहा हूँ, मैं तो आपको तनख्वाह भी नहीं दे सकता, पगार नहीं दे सकता। तो मेरठ के सैनिकों ने कहा कि हम तनख्वाह और नौकरी के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे, अंग्रेजों से आजाद कराना है देश को, इसके लिए लड़ रहे हैं, और हम आपसे वेतन मांगने नहीं आए, वेतन के लिए हमें जो जरूरत पड़ेगी वो हम उसका इंतजाम कर लेंगे, आप तो बस घोषणा करो कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध शुरू करना है। तो बहादुर शाह जफर ने मेरठ के सैनिकों के दबाव में
दिल्ली के सैनिकों के दबाव में घोषणा कर दी और उस घोषणा का बहुत बड़ा असर हुआ। पूरी दिल्ली में 50,000 से ज्यादा सैनिक इकट्ठे हो गए पूरी दिल्ली। आप देखो मेरठ से 2000 सैनिक गए थे और लगभग 1,500 साधारण लोग गए थे। इन्होंने दिल्ली में घूम घूम कर 2-3 दिनों के अंदर 50,000 से ज्यादा सैनिकों को इकट्ठा कर लिया और उन 50,000 सैनिकों ने इकट्ठा होकर अंग्रेजों के ऊपर धावा बोल दिया। अंग्रेजों का सबसे बड़ा गढ़ उस जमाने में दिल्ली में हुआ करता था दरियागंज का इलाका। ये जो दरियागंज आज आपको दिखाई देता है ये पूरा अंग्रेजों का गढ़ हुआ करता था। अंग्रेजों के सारे बड़े अधिकारी इसी दरियागंज इलाके में रहा करते थे। अंग्रेजों के जितने बड़े ऑफिसेस थे, कार्यालय थे, वो दरियागंज इलाके में चला करते थे। अंग्रेजों का एक बड़ा चर्च दरियागंज में था, वो आज भी है। एक हॉस्पिटल हुआ करता था, वो आज भी है। और अंग्रेजों की सरकार जो मुद्रा बनाती थी, सिक्का छापती थी, उसका छापा खाना भी दरियागंज में ही हुआ करता था। और अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा अखबार निकलता था उस जमाने में, उसकी प्रिंटिंग प्रेस भी दरियागंज में। माने ये दरियागंज सबसे महत्वपूर्ण इलाका था अंग्रेजों का। तो इन मेरठ के सैनिकों ने और दिल्ली के सैनिकों ने मिलकर दरियागंज पर ही धावा बोला। और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि एक दिन पूरा और आधा दिन अगले दिन, माने 1.5 दिन के अंदर मेरठ के सैनिकों ने और दिल्ली के सैनिकों ने मिलकर 11,000 से ज्यादा अंग्रेजों को खत्म कर दिया दिल्ली में 1.5 दिन के अंदर 11,000 अंग्रेज सैनिक मारे गए। और जब इतने बड़े पैमाने पर अंग्रेजों का कत्लेआम दिल्ली में हुआ तो फिर पूरे भारत में इसकी एक लहर शुरू हो गई। दिल्ली की खबर जहां जहां तक पहुंची वहां वहां तक अंग्रेजों का कत्लेआम शुरू हो गया। दिल्ली से खबर निकली, 1.5 दिन में दिल्ली आजाद हो गई अंग्रेजों की गुलामी से। आप कल्पना कर सकते हैं अंग्रेजों की सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र एक दिन पूरा और आधा दिन, माने 36 घंटे में पूरा दिल्ली आजाद था अंग्रेजों की गुलामी से। यूनियन जैक दिल्ली में जहां जहां था सब जलाकर क्रांतिकारियों ने फेंक दिया था और हर जगह भारत का झंडा दिल्ली में लहरा गया था। दिल्ली से खबर अलीगढ़ पहुंची, अलीगढ़ से मेरठ, माफ करना, एटा पहुंची, एटा से इटावा पहुंची, इटावा से मैनपुरी पहुंची, मैनपुरी से कानपुर पहुंची, कानपुर से लखनऊ पहुंची, लखनऊ से आगे आगे खबर पहुंचती रही। और एक दूसरा क्षेत्र था कि दिल्ली से खबर मुरादाबाद पहुंची, मुरादाबाद से बरेली पहुंची, बरेली से शाहजहांपुर पहुंची। तो एक अलीगढ़ की दिशा में और एक बरेली की दिशा में दोनों तरफ जगह जगह अंग्रेजों के खिलाफ भारत के नागरिकों ने, सैनिकों ने जो मोर्चाबंदी की है और उसका जो वर्णन है वो अद्भुत है। आप ये सुनकर जरूर गौरव महसूस करेंगे कि भारत के क्रांतिवीरों ने और साधारण नागरिकों ने 15 दिन के अंदर 51,316 अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट में सुला दिया 15 दिन के अंदर। और 51,316 ये अंग्रेज जो मारे गए ना, इनकी कब्र सब भारत में है। उन कब्रों की गिनती हुई तब ये पता चला कि इतने अंग्रेज मारे गए इस देश। और ये अंग्रेज जो मारे गए, आपको ये भी सुनकर हैरानी होगी कि कुल जो अंग्रेज भारत में थे 1857 में, उन अंग्रेजों की संख्या 51,630 थी और 51,316 मारे गए, माने लगभग 300 अंग्रेज जिंदा बचे। और जो जिंदा बचे उनकी जो डायरियां उन्होंने लिखी हैं, जो अंग्रेज जिंदा बच गए 1857 की क्रांति में, वो पढ़ें तो हंसी आती है। अंग्रेजों ने लिखा कि हम इसलिए जिंदा बच गए कि हमने अपने शरीर पर कोयले की राख मल ली थी और हम काले दिखने लगे थे, इसलिए भारतवासियों ने हमको छोड़ दिया और ये समझकर छोड़ दिया कि ये तो अपने ही व्यक्ति हैं क्योंकि शरीर पर काली पोती हुई थी। कई अंग्रेजों ने अपनी डायरियों में लिखा है कि हम इसलिए जिंदा बच गए कि हमने फकीरों का भेष धारण कर लिया।
और हमारे देश में कहा जाता है फकीरों को मारना नहीं, तो वो इसलिए जिंदा हो गए कि बच गए कि फकीरों का भेष धारण किया। कुछ अंग्रेजों ने अपनी डायरियों में लिखा है कि वो इसलिए जिंदा बच गए कि उन्होंने साधु संत का चोला ओढ़ लिया। और कई अंग्रेज, कम से कम 250 से ज्यादा अंग्रेजों ने अपनी डायरी में इस बात को स्वीकार किया है कि उनके पास जो भी कपड़े थे उस कपड़े को सबसे पहले उन्होंने नारंगी रंग में रंगा, क्योंकि ये नारंगी रंग भारत में श्रद्धा का, सम्मान का प्रतीक है। और अंग्रेजों को लगा कि जिंदा बचने के लिए इस नारंगी की शरण में ही जाना पड़ेगा, भगवा ही लेना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने अपने कपड़े भगवा रंग में रंग लिए और उन कपड़ों को उन्होंने पहन लिया और भारतीय लोगों ने उनको छोड़ दिया, उनके ऊपर दया दिखाई। लेकिन जो अंग्रेज छूट गए वही हमारे लिए खतरनाक साबित हो गए। ये छूटे हुए अंग्रेज, ये बचे हुए अंग्रेज किसी तरह से भारत से इंग्लैंड वापस चले गए। और लंदन वापस जाने के बाद इन्होंने जो कहानी सुनाई तो ब्रिटिश पार्लियामेंट परेशान हो गई। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये तय किया गया कि भारत जैसा देश अगर हमारे हाथ से निकल गया तब तो सारी दुनिया के देश हमारे हाथ से निकल जाएंगे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबसे महत्वपूर्ण जो बहस हुई भारत के बारे में वो 1857 1 सितंबर के दिन हुई। 1 सितंबर 1857 को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स दोनों की संयुक्त बैठक हुई, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हुई। इस संयुक्त बैठक में सबसे बड़ा प्रश्न था कि भारत आजाद हुआ तो क्या होगा, भारत हमारे हाथों से निकल गया तो क्या होगा। सारे अंग्रेज अधिकारियों का एक मत से ये कहना था कि अगर भारत हमारे हाथ से निकल गया तो दुनिया के 70 देश हमारे हाथ से निकल जाएंगे, क्योंकि ये भारत के रास्ते पे ही चल पड़ पाएंगे और भारत के तरीके से ही अपने यहाँ बगावत करके, क्रांति करके आजादी हासिल करेंगे। इसलिए भारत को वापस अपने कब्जे में लाना है, भारत को फिर से गुलाम बनाना है, भारत पर फिर से अंग्रेजों का शासन स्थापित कराना है, इसके लिए कुछ किया जाए। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, अंग्रेजों की संसद ने एक स्वर से तय किया कि दोबारा से बहुत बड़ी सेना फिर भारत में भेजी जाए और उस सेना की ताकत से भारत को फिर गुलाम बनाने के काम में लगा जाए। उसी समय में संयोग कुछ ऐसा हुआ कि अंग्रेजों का एक बड़ा युद्ध चीन के साथ होने वाला था और अंग्रेजों का जो युद्ध चीन के साथ होने वाला था उस युद्ध में अंग्रेजों ने चीन को हराने के लिए बहुत बड़ी सेना तैयार कराई हुई थी। वो पूरी सेना उन्होंने भारत के लिए रवाना कर दी। और एक दूसरा संयोग उस समय ये भी हुआ कि अंग्रेजों की ईरान के साथ एक बड़ी लड़ाई उसी समय खत्म हुई थी, जिस लड़ाई में ईरान हार गया था, अंग्रेज जीत गए थे और अंग्रेजों ने ईरान पर वैसे ही कब्जा कर लिया था जैसे भारत पर कब्जा किया हुआ था। तो ईरान में जो अंग्रेजी फौज थी और चीन के लिए जो फौज उन्होंने तैयार की हुई थी, इन दोनों फौजों को भारत में भेजने का फैसला किया गया। लेकिन जब संसद में ये बात आई कि भारत में ये अंग्रेजी फौज अगर जाएगी तो इसकी कुल संख्या कितनी हो सकती है, तो ईरान से आने वाली अंग्रेज फौज और चीन के खिलाफ लड़ने वाली अंग्रेज फौज दोनों की संख्या जोड़ी गई तो कुल मिलाकर 64,000 के आसपास वो संख्या निकल रही थी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस इस बात की हो रही थी कि ये 64,000 अंग्रेज सैनिक आखिर भारत में जाकर कितनी देर लड़ेंगे, क्योंकि 51,316 अंग्रेजों को तो भारतवासियों ने 15 दिन में ही खत्म कर दिया था। तो अंग्रेजों की चिंता इस बात की थी कि हमारे ये 64,000 के आसपास सैनिक हैं, ये कितने दिन लड़ पाएंगे, कितना मुकाबला कर पाएंगे। तो एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट में, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, उसका नाम था विलियम विल्वरफोर्स। उसने एक सुझाव दिया और वो सुझाव हमारे लिए बहुत तकलीफ का कारण बन गया। विल्वरफोर्स ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा कि हमारे अंग्रेज सैनिक कभी भी भारत को दोबारा जीत नहीं पाएंगे। इसको आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है।
बिल्वरफोर्स कह रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि हमारे अंग्रेज सैनिक कभी भी भारत को दोबारा जीत नहीं पाएंगे, क्यों? तो वो कहता है कि भारत का एक सैनिक 10 अंग्रेजों को मार के गिरा देता है। भारत का एक सैनिक 10 अंग्रेज सैनिकों पे भारी पड़ता है। और बिल्वरफोर्स कहता है कि जो भारतीय सैनिक अंग्रेजों की सेना में भारत में काम कर रहे हैं उन्हीं की संख्या 2,64,000 से ज्यादा है। अगर वो ही लड़ गए इन अंग्रेजों से तो ये तो काम तमाम इनका 2-3 दिन में ही हो जाएगा, तो क्या करें, कोई और योजना बताओ। तो बिल्वरफोर्स कहता है कि एक योजना है कि भारत में कुछ राजा महाराजा ऐसे हैं जो अंग्रेजों से वफादारी कर सकते हैं। कई ऐसे भारत के राजा महाराजा हैं जो अंग्रेजों से दोस्ती कर सकते हैं, कई ऐसे राजा महाराजा हैं जो अंग्रेजों के सहयोगी बन सकते हैं। इन राजा महाराजाओं से मदद ली जाए और इनसे सैनिक लिए जाएं, उनके साथ अंग्रेज सैनिक मिलें और तब भारत पर दोबारा हमला किया जाए। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में लिस्ट बनाई गई कि बताओ कौन कौन से राजा महाराजा हैं भारत में जो अंग्रेजों की मदद कर सकते हैं, जो अंग्रेजों से सहयोग कर सकते हैं, जो अंग्रेजों से दोस्ती कर सकते हैं और भारत के अपने ही नागरिकों के खिलाफ लड़ सकते हैं। मुझे बहुत अफसोस है और बहुत दुख है ये कहते हुए कि जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में सूची बनना शुरू हुआ तो जो जो ब्रिटिश अधिकारी भारत में नौकरी करके वापस गए थे, आप तो जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी तो भारत में 1750 से बंगाल में काबिज हो चुकी थी और 1750 से 1857 करीब करीब 105-6 साल में जो जो अंग्रेजों ने यहाँ नौकरी की थी ये अंग्रेज यहाँ से वापस गए थे। इन अंग्रेजों को पूछा जाने लगा कि तुम बताओ कौन राजा है जो भारत की बहुत मदद कर सकता है, कौन ऐसा सामंत है, कौन ऐसा जागीरदार है, कौन ऐसा ताल्लुकेदार है जो भारत में भारतीयों के खिलाफ लड़े और अंग्रेजों की मदद करे। तो सबसे पहला नाम जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में आया, बहुत शर्म आती है मुझे वो नाम लेने के लिए, वो नाम था जीवाजी राव सिंधिया। अंग्रेजों की संसद में सारे अंग्रेज सांसदों ने एक स्वर से ये कहा कि भारत में हमें सबसे अच्छा कोई मित्र मिल सकता है तो वो जीवाजी राव सिंधिया है। जीवाजी राव सिंधिया का मतलब आप जानते हैं, माधवराव सिंधिया के परिवार के लोग, विजया राजे सिंधिया के परिवार के लोग, वसुंधरा राजे सिंधिया के परिवार के लोग, ये सिंधिया परिवार अंग्रेजों का सबसे वफादार परिवार इस देश में रहा है। और अंग्रेजों की संसद में इनका नाम आया कि ये हमारी सबसे ज्यादा मदद करेंगे, तो अंग्रेजों की संसद ने तय किया कि जीवाजी राव सिंधिया को पत्र लिखा जाए अंग्रेजी सरकार की तरफ से। तो जीवाजी राव सिंधिया को पत्र लिखा गया। फिर पूछा गया कि दूसरा कौन राजा है भारत का जो मदद करेगा अंग्रेजों की, तो दूसरा नाम आया, वो बहुत शर्मनाक है, वो नाम भी पटियाला के जो महाराजा हुआ करते थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम आप सभी जानते हैं जो पंजाब में बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, इनके खानदान का नाम आया कि ये जो पटियाला का राजघराना है ये अंग्रेजों की सबसे ज्यादा मदद करेगा। फिर तीसरा नाम आया, वो निजाम हैदराबाद का, आप जानते हैं हैदराबाद रियासत थी और वो रियासत सालार जंग नाम के एक व्यक्ति के कंट्रोल में थी जिसको निजाम हैदराबाद कहा जाता था। तो निजाम हैदराबाद का तीसरा नाम आया कि ये भी अंग्रेजों की मदद कर सकते हैं। चौथा नाम आया, जींद का एक महाराजा हुआ करता था। पांचवा नाम आया, नाभा नाम की एक रियासत थी पंजाब में, वहां का एक राजा हुआ करता था। छठवां नाम आया, वो त्रावणकोर की रियासत के राजा का आया। सातवां नाम जूनागढ़ की रियासत के राजा का आया। फिर आठवां नाम, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां, 50, 60, 70, 80 ऐसे सैकड़ों नाम अंग्रेजों की संसद में आए और अंग्रेजों ने ये मान लिया और तय कर लिया कि इन राजाओं की मदद से हम भारत पर दोबारा कब्जा करेंगे। क्योंकि अंग्रेजों के पास तो सैनिक थे नहीं जो लड़ते, 64,000 कुल सैनिक उनके पास थे
और उन सैनिकों का क्या हाल होता वो अंग्रेजों को अंदाजा था। तब ये चिट्ठियां लिखी गईं और भारत के इन राजाओं से संपर्क किया गया, तो सबसे पहले जीवाजीराव सिंधिया ने अंग्रेजों को वायदा किया कि आप दोबारा अगर भारत में आते हैं और क्रांतिकारियों से लड़ाई लड़ेंगे तो मेरी 40,000 सैनिकों की फौज आपकी सेवा में रात दिन खड़ी रहेगी। और ना सिर्फ 40,000 सैनिकों की फौज अंग्रेजों की सेवा में खड़ी रहेगी, बल्कि जीवाजीराव सिंधिया ने कहा कि 1 करोड़ से ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं अंग्रेजों को मैं भेंट करूंगा अगर अंग्रेज वापस भारत में आएंगे तो। तो 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और 40,000 सैनिकों का वायदा जीवाजीराव सिंधिया ने अंग्रेजों से किया। इसी तरह पटियाला के महाराजा ने वायदा किया, इसी तरह जींद के महाराजा ने वायदा किया, इसी तरह से नाभा के महाराजा ने वायदा किया। और अंग्रेजों ने हिसाब लगाया तो पता चला कि ये भारत के जो राजा महाराजा अंग्रेजों को फौज देने को तैयार हैं वो फौज कुल मिलाकर 3,00,000–3,50,000 से ज्यादा हो रही है। तब अंग्रेजों को भरोसा आ गया और उनको लगा कि 3,50,000 से ज्यादा तो भारतीय सैनिक मिल रहे हैं, 64,000 हमारे पास अपने सैनिक हैं, उनका गणित उन्होंने बिठाया और फिर अपनी सेना को भारत के लिए रवाना किया। और जब तक अंग्रेजों की सेना भारत में पहुंची, ईरान से आई हुई सेना और चीन के युद्ध की तैयारी में लगी हुई सेना, उसको भारत आने में समय लगा। जितना समय इस सेना को भारत पहुंचने में लगा उतने समय तक भारत पूरा देश स्वतंत्र रहा, पूरा देश स्वतंत्र रहा, सारा भारत आजाद रहा। 1857 के जो दस्तावेज हैं वो बताते हैं कि 10 मई 1857 से लेकर 19 सितंबर 1857 तक सारे भारत के 350 से ज्यादा जिले अंग्रेजों की गुलामी से पूरे आजाद रहे। 350 जिलों में अंग्रेजों के खिलाफ ये क्रांति की बगावत हुई और ये 350 जिले उस जमाने में रियासतों के बराबर हुआ करते थे। जैसे मेरठ आजाद रहा 10 मई से लेकर 19 सितंबर तक, दिल्ली आजाद रहा 10 मई से लेकर 19 सितंबर तक, दिल्ली के आसपास अलीगढ़, एटा, बदायूं, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, फिर उसके बाद शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, लखनऊ के पास कानपुर, कानपुर के आगे बिठूर, बिठूर के आगे फतेहपुर, ऐसे भारत के 350 जिले जो उस जमाने में रियासतों के नाम से जाने जाते थे अंग्रेजों की गुलामी से आजाद थे और इनमें भारत का झंडा फहराया जाता था। यूनियन जैक कहीं पर भी नहीं था, भारत आजाद हो गया था। अब हमारे मन में जब ये सवाल आता है कि अगर भारत आजाद हो गया था 1857 में तो 1947 तक गुलामी क्यों झेलनी पड़ी? ये 1947 तक की गुलामी भारत के उन गद्दार राजा महाराजाओं के कारण झेलनी पड़ी जो अंग्रेजों से मिल गए थे और क्रांतिकारियों का विरोध कर रहे थे। जीवाजीराव सिंधिया जैसे भारत के ऐसे 60 से ज्यादा राजा महाराजा थे जिन्होंने अंग्रेजों की हां में हां मिलाई थी और अपनी सेना अंग्रेजों के समर्थन में भेजी थी। अब एक मजेदार घटना घटित हुई कि जैसे जीवाजीराव सिंधिया ने अपनी सेना को आदेश दिया कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना नहीं है, अंग्रेजों के समर्थन में लड़ना है क्रांतिकारियों के खिलाफ, तो जीवाजीराव सिंधिया की सेना में बगावत हो गई और सेना में दो फाड़ हो गए, दो टुकड़े हो गए। एक हिस्सा सेना का भारत के क्रांतिकारियों के साथ मिल गया, दूसरा हिस्सा राजा की वफादारी में अंग्रेजों के साथ चला गया। जो हिस्सा जीवाजीराव सिंधिया की सेना का क्रांतिकारियों के साथ मिल गया उस हिस्से का नेतृत्व किया महारानी झांसी लक्ष्मीबाई ने और तात्या टोपे ने। वही सेना थी जिसकी मदद से झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध लड़ा और तात्या टोपे अंग्रेजों के खिलाफ 8 महीने तक सतत युद्ध करते रहे। भारत के क्रांतिकारियों में सबसे ज्यादा लंबे समय तक
अंग्रेजों से लड़ाई जिन्होंने लड़ी है उनका नाम है तात्या टोपे। 8 महीने तक लगातार अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी उन्होंने, और उनके सैनिक कौन थे? वही सैनिक थे जो जीवाजीराव सिंधिया के आदेश पर अंग्रेजों के साथ नहीं मिले, क्रांतिकारियों के साथ मिल गए। उन्हीं सैनिकों की मदद से झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को बार बार युद्ध में परास्त किया और बार बार अंग्रेजों ने मुंह की खाई। और आपको मालूम है एक समय तो ऐसा आया कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जीवाजीराव सिंधिया को ग्वालियर सिर्फ ग्वालियर पर चला बल्कि ग्वालियर के आसपास के बहुत बड़े इलाके में जिसको गुना शिवपुरी अशोकनगर ये पूरा इलाका महारानी झांसी लक्ष्मीबाई के कंट्रोल में था। अंग्रेजों की गुलामी से ये पूरा इलाका आजाद था। अगर आप आज बुंदेलखंड के नक्शे को देखना चाहें जिसको हम बुंदेलखंड कहते हैं आज, ये पूरा बुंदेलखंड झांसी रानी लक्ष्मीबाई के राज्य के रियासत में आ गया था अंग्रेजों से आजाद होने के बाद। ये बहुत जबरदस्त संग्राम झांसी की रानी का अंग्रेजों के साथ हुआ था। आप तो सभी जानते हैं झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के हर युद्ध में अंग्रेजों को पराजित किया था एक युद्ध को छोड़कर। अंग्रेजों ने जब जब झांसी पर हमला किया कभी भी अंग्रेज झांसी को जीत नहीं पाए। एक आखिरी युद्ध अंग्रेजों ने 1858 में जो लड़ा था उसी में उनकी विजय हुई थी। 1857 में तो एक भी युद्ध में वो जीत नहीं पाए थे। इधर नाना साहब पेशवा जो कानपुर के पास बिठूर में रहा करते थे उन्होंने बहुत बड़ा संगठन खड़ा कर रखा था अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का, और नाना साहब पेशवा के जो सहयोगी और दूत थे उन्होंने पूरे अवध प्रांत में क्रांति की मशाल जलाई हुई थी। तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और इनके सहयोगियों की पूरी जो सूची है, इस सूची में 2-3 बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारी आंखों के सामने अभी तक नहीं आ पाई हैं, वो ये कि एक क्रांतिकारी परिषद बनाई गई थी। उस क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष थे नाना साहब पेशवा, उसके उपाध्यक्ष थे तात्या टोपे, और उसकी महासचिव थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ये तीनों क्रांतिवीर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव की भूमिका में थे। और उस क्रांतिकारी परिषद के कार्यकर्ताओं की संख्या सारे देश में लाखों में थी। अंग्रेज इतिहासकारों ने इस संख्या का अनुमान लगाया है। एग्जैक्ट तो वो नहीं कहते लेकिन वो कहते हैं कि अनुमान के हिसाब से इस क्रांतिकारी परिषद में सारे देश के लगभग 4.5 करोड़ लोग जुड़े हुए थे। पूरे देश के 4.5 करोड़ लोग जुड़े हुए थे। अब आप इसका अंदाजा ऐसे लगाइए, एक अंग्रेज इतिहासकार हुआ उसका नाम है चार्ल्स बॉल, एक दूसरा अंग्रेज इतिहासकार हुआ उसका नाम है ट्रेवेलियन, और एक तीसरा अंग्रेज इतिहासकार हुआ जॉन केई। इन तीनों ने असेसमेंट किया है, इन तीनों ने अनुमान लगाया कि 1857 में भारत में जो क्रांति हुई उसमें कितने लोग शामिल थे। तो इन तीनों का अनुमान लगभग 4.5 करोड़ के आसपास का है कि 4.5 करोड़ भारतवासी अंग्रेजों के खिलाफ इस 1857 की लड़ाई में थे। इनमें से 7,32,780 क्रांतिकारी थे जो लीडरशिप में थे, जो नेतृत्व में थे, और बाकी जो भारतवासी थे वो सब उनके सहयोगी की भूमिका में थे। तो 7,32,780 जो थे उनमें से एक थे नाना साहब पेशवा, उनमें से एक थे तात्या टोपे, उनमें से एक थी महारानी झांसी लक्ष्मीबाई, उनमें से एक थी महारानी अवंतीबाई, उनमें से एक थी गजमाला, रानी गजमाला। ऐसे 7,32,780 क्रांतिकारी थे। इनमें कुछ हिंदू थे और कुछ मुसलमान भी थे। मुसलमान जो लीडरशिप में बड़े लोग थे इस देश में उनमें से एक थे मौलवी लियाकत अली, एक दूसरे थे मौलवी अजीमुल्ला। ये अजीमुल्ला जो व्यक्ति थे ये तात्या टोपे के सबसे खास व्यक्ति बताए जाते हैं। तात्या टोपे
उनको अपना राइट हैंड कहा करते थे, दाहिना हाथ कहा करते थे, और अजीमुल्ला को नाना साहब पेशवा भी अपना दाहिना हाथ मानते थे। तो नाना साहब पेशवा और तांतिया टोपे के साथ कंधे से कंधा मिलकर लड़ने वाले अजीमुल्ला, ऐसे लियाकत अली, ये दो बड़े मुस्लिम भाई थे। और इसके अलावा हजारों की संख्या में मस्जिदों में अजान पढ़ने वाले साधारण से लेकर असाधारण लोग भी थे। कुछ इनमें महिलाएं भी थी, कुछ इनमें पुरुष भी थे। इस 1857 की क्रांति के बारे में तीन चार विशेष बातें मुझे आपके सामने लानी है। वो ये कि हिंदू और मुसलमान दोनों साथ में लड़ रहे थे, स्त्री और पुरुष दोनों लगभग बराबर की संख्या में लड़ रहे थे। अगर 4.5 करोड़ भारतवासी अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो इनमें 2 करोड़ से ज्यादा महिलाएं थीं पूरे भारत में। और 350 स्थानों पर जो लड़ाई हुई है अंग्रेजों से, उन लड़ाइयों का जो वर्णन अंग्रेजों के दस्तावेजों में है, उस वर्णन को पढ़ने के बाद मैं अभिभूत हो गया ये जानकर कि भाइयों के साथ बहनें कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही थी। और लड़ाई कैसे चलती थी, जैसे भाई बंदूक चलाते थे तो बहनें बंदूकों में कारतूस भरने का काम किया करती थी, भाई गोला चलाते थे तोप से तो बहनें तोप को खींचकर ले जाने के काम में लगा करती थी। उस जमाने में तोपें जो होती थी वो बैलगाड़ी पे रख के ले जाई जाती थी, और बैलगाड़ी में 2 बैल और उसके साथ एक बहन होती थी जो तोप को ले जाने के काम में बहुत मदद किया करती थी। तो तोप का गोला चलाने का काम कोई भाई कर रहा है तो तोप को स्थान तक ले जाने का काम कोई बहन कर रही है। और इससे भी ज्यादा अद्भुत बात है ये जो पता चलती है कि गोला चलाने का काम कोई भाई कर रहा है लेकिन गोले में बारूद भरने का काम कोई बहन कर रही है। कानपुर की एक बहन थी जिसका अंग्रेजों ने बहुत वर्णन किया है, उसका नाम था अजीजन बाई। अजीजन बाई का जो चरित्र है, इतिहास है, वो पता करने से मालूम हुआ कि वो पेशे से वैश्या थी और अपना शरीर बेचती थी, अंग्रेजों के कोठों पर जाकर नाचती थी, अंग्रेजों के सैनिकों के शरीर की हवस को मिटाने के काम में भी कई बार उसने अपना काम योगदान दिया। अजीजन बाई को अंग्रेजों ने किसी गांव से उठा लिया था, वो किसी मध्य प्रदेश में मंडला के पास किसी गांव की रहने वाली महिला थी, अंग्रेजों ने उसको अपहरण कर लिया था और कई दिनों तक उसके साथ बलात्कार किया था और उसके बलात्कार के बाद उसको कोठे पर ले जाकर बेच दिया था। अजीजन बाई ने कोठा छोड़कर क्रांतिकारियों का सहयोग देना शुरू किया था और अजीजन बाई ने 400 से ज़्यादा कानपुर की वैश्याओं का एक समूह बनाया था, दल बनाया था। उस दल का मुख्य काम था गोलों में बारूद भरना और बारूद भरे हुए गोलों को क्रांतिकारियों तक पहुंचाना, कारतूसों को इकट्ठा करना और कारतूसों को क्रांतिकारियों तक पहुंचाना। तो कारतूस और गोलों का बारूद पहुंचाने का काम कानपुर और आसपास के क्षेत्र में तो सारा माताओं और बहनों ने किया है, और ऐसी माताओं बहनों ने किया है जिनको हमारा समाज अच्छी नजरों से नहीं देखता। एक बार तांतिया टोपे ने अजीजन बाई को एक सीधे से सवाल किया था कि तुम्हारा काम तो वैश्यावृत्ति का है, तुम ये क्रांतिकारियों के साथ क्यों लग गई हो? तो उसने कहा कि मैं वैश्या होने से पहले भारत की नागरिक हूं, और एक ऐसी नागरिक हूं कि जिसके शरीर में भारत का खून बहता है, इसलिए मुझे मेरा फर्ज करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं भले वैश्यावृत्ति का काम करती रही लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं देश के लिए अपनी जान न्योछावर करूं। और अंग्रेज अधिकारी जिनके सामने अजीजन बाई ने युद्ध लड़ा है, वो अंग्रेज अधिकारी अपनी डायरियों में ये लिखकर छोड़ गए हैं कि भारत के सैनिकों में सच्ची मर्द अगर कोई थी तो वो अजीजन बाई थी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। अंग्रेज जो सैनिकों ने युद्ध लड़े हैं भारत में, जैसे एक अंग्रेज अधिकारी था ह्यूरोज ने अपनी पर्सनल डायरी में लिखा है कि मैंने भारत की सेना में 2 महिला मर्दों को पाया,
एक महिला मर्द झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और दूसरी महिला मर्द अजीजन बाई। और वो कहता है कि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तो एक राज घराने की कुल वधू, लेकिन अजीजन बाई तो वैश्यावृत्ति के काम में लगी हुई एक साधारण महिला। लेकिन वीरता में दोनों किसी से कम नहीं है, साहस में दोनों किसी से कम नहीं है। और अजीजन बाई ने यह सिद्ध किया है कि भारत का खून भारतीय पहले है, बाद में वो सब कुछ है। तो इस पूरी लड़ाई में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा कि आर्य समाज के महर्षि स्वामी दयानंद की शिक्षा जो महिलाओं के लिए दी गई, जो समाज के लोगों के बीच में आई, उस शिक्षा का पूरा असर इस 1857 की लड़ाई में दिखाई देता है। परम पूजनीय महर्षि दयानंद जी उस जमाने में शायद पहले महर्षि थे जिन्होंने महिलाओं को पुरुषों के बराबर और कई कई स्थानों पर महिलाओं को पुरुषों से आगे सम्मान दिया। आप सभी जानते हैं महिला शिक्षा के लिए जितना उन्होंने इस देश में काम किया, महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने के लिए जितना उन्होंने काम किया वो अद्भुत है। एक जगह परम पूजनीय महर्षि दयानंद और महारानी झांसी लक्ष्मीबाई का संवाद हुआ है और इस संवाद का, लेकिन 19 सितंबर के बाद भारत के कुछ जीवाजीराव सिंधिया पटियाला घराने और जींद और नाभा घराने के गद्दार राजाओं के अंग्रेजों के साथ मिल जाने के कारण फिर अंग्रेजों ने भारत पर हमला किया। और दोबारा जब अंग्रेजों ने भारत पर हमला किया तो भारत के गांव-गांव में उन्होंने कत्लेआम मचा दिया। एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था जनरल नील, उसकी डायरी का एक वाक्य सुनाता हूं। जनरल नील कहता है कि दोबारा से जब हमने भारत पर हमला किया तो हमने किसी बुजुर्ग को नहीं छोड़ा, किसी बच्चे को नहीं छोड़ा, किसी स्त्री को नहीं छोड़ा, किसी पुरुष को नहीं छोड़ा। जो भी भारतवासी हमारे सामने आया हमने उसको खत्म कर दिया। और कैसे कैसे खत्म किया तो जनरल नील खुद अपनी डायरी में लिख रहा है कि हम गोली मार के लोगों को खत्म करते थे, हम लोगों को जिंदा जला के मार डालते थे, हम लोगों को घोड़ों और हाथी पर बिठा के उनके गले में रस्सी का फंदा लगाया करते थे और हाथी घोड़ों को किसी पेड़ के नीचे ले जाकर खड़ा किया करते थे और रस्सी का फंदा पेड़ के ऊपर से खींच लिया करते थे और हाथी और घोड़े को नीचे से भगा दिया करते थे और लोग लटक कर मर जाया करते थे। नील कहता है कि हजारों हजारों गांव हमने नरविहीन कर दिए, नरविहीन हजारों हजारों गांव। वो कहता है कि बिठूर में हमने जब हमला किया, बिठूर माने नाना साहब पेशवा का घर, तो कहता बिठूर में हमने जब हमला किया तो बिठूर की आबादी लगभग 24,000 की थी। उस आबादी में 3 महीने के बच्चे से लेकर 94 साल तक के बुजुर्ग हमने किसी को नहीं छोड़ा। बच्चों को हमने फुटबॉल की तरह से उछाला और गोलियों से उनको बींद दिया। बुजुर्गों को हमने झोपड़ियों में जिंदा जला दिया, घरों में जिंदा जला दिया। और जो स्त्रियां हमको मिली उन स्त्रियों के साथ हमने जो किया वो सुन नहीं सकते हम, लेकिन मैं आपको सुनाना जरूर चाहूंगा। नील अपनी डायरी में लिख रहा है कि हमें जहां भी कोई गांव में स्त्री मिलती थी भारतीय, उसके शरीर को हम नंगा करते थे, उसके कपड़े उतारते थे, उसको पूरे गांव में नंगा घुमाते थे, फिर उस स्त्री को इतना तड़पाते थे, इतना परेशान करते थे कि वो चीखती थी और हम आनंद से हंसते थे। और वो कहता है कि पता नहीं कितनी स्त्रियों के इस तनों के अग्र भाग को हम लोहे के चिमटे से दबाते थे और तब तक दबाते थे जब तक कि उसमें से खून निकलना ना शुरू हो जाए। फिर उन स्त्रियों के साथ हम बलात्कार करते थे और बलात्कार करने के बाद फिर उनको हम मारा करते थे। नील कहता है कि भारत के हजारों गांव में हमने ये किया और हजारों गांव को नर विहीन कर दिया, स्त्री विहीन कर दिया, पुरुष विहीन कर दिया। और ये सब हुआ 19 सितंबर 1857 के बाद, जब अंग्रेजों ने दोबारा से भारत पर हमला किया और भारत के राजाओं ने
अंग्रेजों को इस काम में मदद की। और उसके बाद ये हमले बढ़ते गए, राजाओं की सेना अंग्रेजों के साथ मिलती गई, क्रांतिकारियों की संख्या धीरे धीरे घटती गई, और एक समय आया कि 1858 एक नवंबर तक फिर से अंग्रेजों का शासन भारत पर स्थापित हो गया। 1858 एक नवंबर को अंग्रेजों का शासन जब स्थापित हुआ तो महारानी विक्टोरिया की तरफ से एक ऐलान किया गया, उस ऐलान को भारत में भेजा गया। उस ऐलान के अनुसार उन्होंने कहा कि अब भारत में कंपनी शासन नहीं चलेगा, अब भारत में अंग्रेजों की संसद का शासन चलेगा। 1857 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और 1858 के बाद सीधे अंग्रेजों का शासन आ गया। और उसके बाद जो ऐलान किया गया वो ये कि अब भारत में जो भी कुछ किया जाएगा वो कानून बनाकर किया जाएगा, और जो भी कानून बनेंगे वो अंग्रेजों की संसद में बनेंगे, और अंग्रेजों की संसद से बने हुए कानून भारत राज्य में लागू किए जाएंगे। उन कानूनों को बनाने का काम अंग्रेज करेंगे और उन कानूनों को लागू करने का काम अंग्रेजों की फौज भारत में करेगी। और उसके बाद अंग्रेजों ने इस देश में कानून बनाने शुरू किए। सबसे पहला कानून बनाया इंडियन पुलिस एक्ट, पुलिस बना दी उन्होंने। दूसरा कानून बनाया इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट। तीसरा कानून बनाया इस देश में उन्होंने इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। चौथा कानून बनाया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। ऐसे 34,735 कानून अंग्रेजों ने बनाए 1857 की लड़ाई के बाद। और इन कानूनों का एकमात्र उद्देश्य था कि भारत में ऐसी व्यवस्था लागू करो जो दोबारा कभी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत ना हो, दोबारा कभी अंग्रेजों के खिलाफ भारत में युद्ध ना हो। तो दोबारा भारत में अंग्रेज कभी बगावत ना सहन करें, दोबारा भारतवासी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत ना करें, इसके लिए कानूनों की व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई और वो कानून इस देश में लगाए। मुझे बहुत दुख और दुर्भाग्य से आपको एक बात कहनी है, वो ये कि जो कानून 1857 की क्रांति के बाद भारत को हमेशा गुलाम बनाए रखने के लिए बनाए गए, वो कानून अब आज़ादी के 63 साल के बाद भी इस देश में चल रहे हैं और उन कानूनों में रत्ती भर भी कोई फेरबदल नहीं हुआ है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है 1860 का बनाया हुआ पुलिस कानून आज भी चल रहा है, 1860 का बनाया हुआ इनकम टैक्स का कानून आज भी चल रहा है, 1872 का बनाया हुआ फॉरेस्ट कानून आज भी चल रहा है। ऐसे 34,735 कानून चल रहे हैं। अब हम सब भारतवासियों को क्या करना चाहिए, मेरा एक विनम्र सुझाव है जो देकर मैं मेरा व्याख्यान खत्म करूंगा, और वो विनम्र सुझाव ये है कि जिन अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद 34,735 कानून लगाकर भारत पर लागू किए और वो कानून आज़ादी के 63 साल के बाद भी वैसे के वैसे ही अगर चल रहे हैं, तो हम सब भारतवासियों को अब फिर से दोबारा 1857 जैसी ही कोई क्रांति करनी पड़ेगी, तब जाकर ये अंग्रेजों के बनाए हुए कानून इस देश में से खत्म होंगे। एक 1857 की क्रांति परम पूजनीय महर्षि दयानंद जी की प्रेरणा से शुरू हुई और अब ऐसा लगता है कि दूसरी 1857 की क्रांति आज आर्य समाज के सभी साधु संतों से और भारत के विद्वानों की प्रेरणा से शुरू होगी। और दूसरी क्रांति की शुरुआत करने में आज का ये सम्मेलन मील का पत्थर साबित होगा। ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा, ईश्वर से इस बात का निवेदन करूंगा कि हम सबको उतना ही तेज, उतना ही साहस, उतनी ही धैर्य हम में आ जाए जो 1857 के क्रांतिकारियों में था, उतनी ही वीरता हम में फिर से आ जाए जो 1857 के क्रांतिकारियों में थी। उसी वीरता, उसी साहस, उसी तेजस्विता को लेकर हम फिर से खड़े हों और अब अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, अंग्रेजों के बनाए गए कानूनों के खिलाफ हमें क्रांति करनी है। अब अंग्रेज तो नहीं है लेकिन उनके बनाए हुए कानून इस देश में है, अब अंग्रेज तो नहीं है लेकिन अंग्रेजियत इस देश में है, अब गोरे अंग्रेज तो चले गए हैं, इन कानूनों की मदद से कुछ काले अंग्रेज इस देश में पैदा हुए हैं जो देश की सत्ता व्यवस्था को वैसे ही भ्रष्ट बना रहे हैं जैसे अंग्रेजों ने बनाया था, देश को वैसे ही नोच कर खा रहे हैं जैसे अंग्रेजों ने कभी नोच के खाया था।
तो हम सबको फिर से एक संकल्प लेना है, और उस संकल्प लेने की कड़ी में आज का सम्मेलन हमारे लिए प्रस्थान बिंदु बने, इस भावना के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं, आयोजकों को विनम्र प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मुझे बुलाया और मेरे भाव व्यक्त करने का मौका दिया, मेरे विचार आपसे शेयर करने का, साझा करने का मुझे मौका मिला। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित भाई और बहनों, अभी आप